सो गाइस, आप सभी को तो पता होगा कि संदीप महेश्वरी के बीच में डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बीच में भाई जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है वो दिन ब दिन और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसके ऊपर गाइस संदीप महेश्वरी ने कल के अपने रिसेंट के वीडियो में एक बार फिर से डॉक्टर विवेक बिंद्रा को ही टारगेट किया और कहा कि ये स्कैम हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। और यहां पर गाइस संदीप महेश्वरी का ये भी कहना कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ पूरी यूट्यूब कम्युनिटी है। एक्चुअल में सही और गलत की है। और एक और मजेदार बात बताइए, जब वो वीडियो अपलोड हुई कितनों को समझ आया था मैं किसके बारे में बात कर, अगर वो कुछ नहीं करते चुपचाप बैठे रहते तो दो दिन में सब भूल भाल जाता, खत्म हो जाता। मतलब एक टीचर है जो क्लास में सामने खड़े होकर के बोल रही है तुम में से किसी एक ने चोरी करी है, और एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने चोरी नहीं करी। अरे नहीं करी तो बैठा रहना चुपचाप। तो मजे की बात यह है कि जब मैंने स्कैम को एक्सपोज किया तो ऐसी हजारों कंपनीज हैं इंडिया में, उनमें से सिर्फ एक ही कंपनी वाले और उस कंपनी का मालिक नहा धो करके मेरे पीछे पड़ गए। इसका मतलब क्या निकालोगे? अब आ करके कह रहे हैं कि बताओ इसमें स्कैम क्या है, तो ठीक है मैं बताता हूँ स्कैम क्या है, आज अच्छे से बताता हूँ और पूरी दुनिया को समझाता हूँ कि स्कैम होता क्या है। अभी काम करते हैं, अब लीगली बात करते हैं कि स्कैम है।